नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और आज मैं एक बेहद गंभीर समस्या पे बात करने वाली हूं। कोरोना के बीच एक नई बीमारी ब्लैक फंगस ने एंट्री ली है, काफी खतरनाक होता जा रहा है ये पूरा मैटर। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत 15 राज्यों में अभी तक इसके केसेस जो है रिपोर्ट हुए हैं। लगभग अगर मैं कल तक के फिगर देखूं तो 9,320 मामले रिपोर्ट हो चुके हैं, वहीं 335 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कितनी गंभीर समस्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 9 राज्यों में इसको ब्लैक फंगस महामारी घोषित कर दिया गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितनी गंभीर बीमारी है। और इसी पे चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मेरे खास मेहमान हैं, ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर रोहित सिंह। डॉक्टर रोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, और मैं दर्शकों की तरफ से भी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डॉक्टर साहब, आप भी जान रहे होंगे कि कोरोना के बाद अब जो दूसरा डर है वो लोगों को ब्लैक फंगस का हो रहा है। तो ये थोड़ा सा आप समझ रहे हैं क्या चीजें हैं, इसमें थोड़ी सी इसकी जानकारी दीजिए। देखिए, ब्लैक फंगस कोई ऐसा नहीं है कि ये एक कोई नई बीमारी है। तो जी म्यूकोर माइकोसिस बोलते हैं मेडिकल की टर्म्स में, जी जी और जी ये पहले भी होती रही है बीमारी ये, और ये ज्यादातर उन पेशेंट्स को होती है जो डायबिटिक होते हैं, जो जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाती है। जैसे जी कि डायबिटिक पेशेंट्स हो गए जिनकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, उसके अलावा जिनका ट्रांसप्लांट किडनी वगैरह चेंज हुई है, या वो किसी कारणवश ऐसी दवाइयों से घटिया बाय के मरीज, जिससे कि इम्यूनिटी उनके शरीर की सप्रेस हुई है। तो इस वजह से क्या होता है कि वो बॉडी की लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। जैसे आप देखें, जी फंगस कोई ऐसी चीज नहीं है, अगर आप एक रोटी को ही छोड़ दें बरसात के मौसम में बाहर, तो हाँ, उसको तो भी उस पे भी जीवित कालापन फंगस आ जाती है। आ जाता है। वो कालापन ही तो फंगस है। जी तो जी इसी बिल्कुल तरह फंगस हमारे एनवायरनमेंट में हमेशा ही रहती है, जी लेकिन क्या होता है कि जब हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जी तो उसके कारण क्या होता है कि वो बहुत एग्रेसिव हो जाती है और वो बहुत तेज गति से बढ़ने लगती है, और जी उसके बढ़ने से ये होता है कि वो आसपास के एरिया को गला देती है। अच्छा, जी क्योंकि इसका जो मेन जो जगह होती है जहाँ पे डेवलप होती है, वो होती है नाक, और नाक के जो पड़ोसी है वो आंख है, वो दिमाग है। तो इसलिए वो बहुत, और इनके बीच में जो पार्टीशन है, जो बोन है, वो इतनी पतली है, और उसके बावजूद उनके अंदर गैप्स भी हैं, जिसकी वजह से मतलब फंगस को जरा सा भी टाइम नहीं लगता कि वो आंख में या वो दिमाग में पहुंच जाती है, और इसी वजह से खतरनाक है। तो इसका यही है, किसी भी, जैसा कि किसी भी बीमारी के लिए, जितना जल्दी आप उसको समझोगे, जितना जल्दी आप उसके ऊपर कार्रवाई करोगे, उतनी ही जल्दी वो ठीक होगी और कंट्रोल में आएगी। जितना हम उसको लेट करेंगे, उतना ही उसमें दिक्कतें ज्यादा आएंगी। डॉक्टर साहब, अभी जैसे इसको कोरोना से जोड़ के देखा जा रहा है, तो क्या ये मतलब एक जल्दबाजी में इसके लिए एक जगह बनाई जा रही है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि मतलब ये कहना बिल्कुल ठीक है कि ज्यादातर जो केसेस है वो कोरोना के ही हैं जो इस बीमारी में सामने आ रहे हैं, लेकिन हाँ, ऐसे पेशेंट्स भी हैं हमें कि जिनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव है, ना ही जिनको कोई स्टीरॉयड दिया गया है, और उनको इतनी एग्रेसिव इन्फेक्शन हुआ है कि उनकी आंख तक निकालनी पड़ी है ऑपरेशन में, जिंदगी बचाने के लिए। तो लेकिन ऐसे केसेस कुछ ही हैं, ज्यादातर जो केसेस हैं वो कोरोना वाले पेशेंट्स ही हैं जिनको ये म्यूकोर माइकोसिस हुआ है। और जो नॉर्मल म्यूकोर माइकोसिस है, जो मैं आपको बोल रहा था पहले भी कि म्यूकोर जी माइकोसिस जी कोई नई बीमारी नहीं है, लेकिन ये म्यूकोर माइकोसिस जब एक कोरोना के मरीज में होता है, तो इसकी जो एग्रेशन है, इसके जो खतरनाकपन है, वो कहीं ज्यादा है नॉर्मल वाली म्यूकोर माइकोसिस। तो इसलिए ये हमारे लिए अच्छा, एक दूसरी परेशानी क्या है इसमें कि एक साथ बहुत सारे पेशेंट आते हैं। अगर एक दो तो पेशेंट आए तो आप उसको मैनेज कर सकते हो, दवाई अवेलेबिलिटी हो जाती है, दवाई
तब चीजें हो जाती हैं, लेकिन जब सब बहुत सारे मरीज आते हैं तो हर चीज कम पड़ जाती है जी, और जी वो हमारे लिए ज्यादा बड़ी नुकसान की बात है कि हमारे पास जब संसाधन होंगे तभी तो इलाज कर पाएंगे, अगर संसाधन नहीं होंगे तो हम इलाज ही नहीं कर सकते। जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो जहां तक कोरोना में है, अब कोरोना में कई फैक्टर्स जैसे सामने आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की वजह से है, कोई कह रहा है बहुत ज्यादा स्टीरॉयड की हैवी डोज यूज करने की वजह से है। अच्छा, स्टीरॉयड के अलावा भी कुछ दवाइयां इस्तेमाल की जा रही हैं जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को डाउन कर देती हैं। अच्छा, वो सब इस्तेमाल करनी इसलिए जरूरी है कि हमें सबसे पहला मुख्य एम जो है वो जान बचाना है, उसके बाद फिर और चीजें आ जाती है। तो इसी वजह से उनकी थोड़ी इम्यूनिटी, लेकिन अभी ये कह पाना कि मतलब ये क्यों हो रहा है, तो किस तरह से इसके बचाव के तरीके हैं, लेकिन अभी क्यों हो रहा है, सिर्फ कोरोना के मरीजों में, क्या उसके लिए ऑक्सीजन जिम्मेदार है, क्या उसके लिए स्टेरॉइड जिम्मेदार है, या उसके लिए जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इंजेक्शन है वो जिम्मेदार है, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा। जी जी डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि कोरोना के दौरान जो स्टेरॉइड वगैरह दिए जाने की बातें सुनी जा रही हैं, क्या ये वही वजह है? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जिन पेशेंट्स को स्टेरॉइड दिए जाते हैं उनमें शुगर का लेवल ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। आप डॉक्टर, आप बेहतर समझते हैं। देखिए, इसमें ऐसा है कि मतलब हमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि स्टीरॉइड जो है वो इट इज ए डबल एस स्वॉर्ड, दो धारी तलवार है, वो जो फायदा पहुंचाता है उसका वो नुकसान भी पहुंचाता है। इसलिए बेसिक चीज ये है कि हमें पेशेंट को, हर पेशेंट को बहुत क्रिटिकली एनालाइज करना है, और स्टीरॉइड अगर हम हाई डोज में भी दे रहे हैं उसमें कोई नुकसान नहीं है, दिए जाते हैं वो, लेकिन उसको क्या है फिर सडनली उसको स्टॉप भी कर दिया जाता है, क्या उसको धीरे धीरे गोल, मतलब जितना हमें जरूरत है सिर्फ हम उतना ही स्टीरॉइड यूज करें। स्टीरॉइड यूज करना हमारी मजबूरी है क्योंकि उसके अलावा कोई दवाइयां हमारे पास है नहीं जो इतनी कारगरता से पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। जैसे कोरोना में क्या है कि जो आम पब्लिक के लिए ये है कि आप जो है अपने डॉक्टर से जिससे भी दवाई ले रहे हो आप उनको ये बताएं कि सर, और ये विश्वास रखें क्योंकि पेशेंट भी क्या होता है तुरंत ठीक होना चाहता है, पहली डोज में ही उसे लगता है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए एक ही गोली में, बट ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अपने डॉक्टर को भी कहें कि सर आप 5 दिन तक हमें कोई भी स्टेरॉइड ना दें, 5 दिन के बाद टेस्ट कराने के बाद अगर जरूरत है तो हमें आप स्टेरॉइड दें, ये है इसका। तो हमें उसको बहुत अच्छी तरह से यूज करना पड़ेगा, तो वही हमारे लिए पेशेंट बचाने वाला है और वही पेशेंट की जान लेने वाला भी है। जी जी डॉक्टर साहब, आम भाषा में अगर जो लोग सिर्फ इससे डरे हुए हैं, वैसे लोगों का एक ये सवाल रहता है कि इसका पता चलने पे सबसे पहले क्या किया जाए? देखिए मैम, इसका पता चल मतलब कोई भी परेशानी, देखिए इसमें थोड़ी सी ना सावधानी लेनी पड़ेगी। सावधानी में क्या होता है कि हमेशा थोड़ा सा हमें जांच के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, क्योंकि कई बार जो चीज हमारी आंख नहीं देख पाती वो MRI देख लेती है, तो उससे क्या होता है जल्दी से जल्दी उस चीज को पकड़ सकते हैं। इसलिए इसमें क्या होता है कि अगर आपको नाक कान गले के आसपास आंख में और कोई भी आपको जैसे दर्द है या सुन्नपन है या ब्लड आ रहा है, इस तरह की कोई भी परेशानी है, तो सबसे पहले तो अपने ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर से सलाह लें, और उसके बाद वो आपको ज्यादातर जो इस टाइम पे गोल्ड स्टैंडर्ड है ट्रीटमेंट का वो है रंगीन MRI, जिसको हम लोग गैडोलिनियम एनहेंसमेंट एनहेंस्ड MRI बोलते हैं, वो गोल्ड स्टैंडर्ड है इसके डायग्नोसिस के लिए, वो तुरंत कराए। और उसके बाद अगर बीमारी की स्टेजिंग है, कई बार ऐसा भी होता है कि बीमारी को हम दवाइयों से भी ठीक कर सकते हैं, कोई ऑपरेशन की या इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ गोलियों से ही ठीक हो जाता है, लेकिन क्या है हमें उसके ऊपर एक चेक रखना पड़ेगा, हमें हर 3-4 दिन में MRI करा के देख सकते हैं, और अगर बीमारी अर्ली है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। एक और सवाल लोगों के दिमाग में रहता है कि इसमें शुगर का रोल बहुत रहता है, तो शुगर कंट्रोल भी होना बहुत जरूरी है।
शुगर का देखिए रोल है, क्योंकि शुगर बढ़ने से हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। और इसके अलावा जैसे कोरोना जिनको हुआ है उसमें एक टेस्ट होता है सीरम फेरिटिन टेस्ट, तो जिन पेशेंट्स को म्यूकोरमाइकोसिस हुआ है तो उसमें ये पाया गया कि उनका सीरम फेरिटिन भी बढ़ा हुआ था। जी जी। सीरम फेरिटिन बढ़े हुए हैं क्योंकि फंगस का जो फूड है वो आयरन है, तो अगर ब्लड के अंदर आयरन की मात्रा बढ़ जाएगी सीरम फेरिटिन से जो हमें पता चलता है, तो उसमें क्या होगा फंगल इन्फेक्शन के चांस हो जाते हैं। अच्छा, डायबिटिक अगर पेशेंट नहीं भी है तो अगर हम एक नॉर्मल पेशेंट को भी, जो मैंने देखा है खुद अपने पेशेंट से भी कुछ में, कि एक 5 इयर्स फीमेल थी, नॉन डायबिटिक थी, लेकिन उसको एडमिट करना पड़ा कोरोना के लिए और उसको हाई डोज स्टीरॉयड देना पड़ा जिससे कि उसकी शुगर बढ़ गई और शुगर बढ़ने के बाद धीरे धीरे उसके अंदर फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो गया, लेकिन जो रफ्तार है उसकी वो बहुत तेज होने की वजह से हमें जो भी करना है हमें उसमें फास्ट एक्शन करना है जिसके कि टाइम ना लेके, जब एक एक ये आजकल मीडिया का बहुत उसके लिए अहम रोल है कि उसने अवेयरनेस इतनी कर दी है कि अब लोग अपने आप ही जरा सी भी प्रॉब्लम होते हैं तो आ रहे हैं और जो उनको कहा जाए वो एडवाइस हो रहे हैं। लेकिन हाँ ये जरूर होगा मैं कि शुगर का बढ़ा हुआ होना मतलब वो एक डेफिनेटली ये एक फैक्टर है जो म्यूकोरमाइकोसिस को प्रेसिपिटेट करता है। नॉर्मली जैसा आपने कहा कि ये मतलब जिनको कोरोना नहीं है या जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी ये फंगस का इन्फेक्शन होता है नेल्स में, आँख में, कान में, मुंह में, इस तरीके से, क्योंकि आप ENT स्पेशलिस्ट हैं। और मैंने बहुत सारे ऐसे मामले भी देखे हैं कि मरीज की आँख निकालनी पड़ी, तो वो सब थोड़ा सा बताइए डिटेलिंग में कि वो मरीज किस तरीके के होते हैं, ताकि वो आपकी बात सुन करके थोड़ा सा अवेयर हों, थोड़ा अपने आप को अवेयर करें और अपना ख्याल रख सकें। देखिए इसमें ऐसा होता है कि जैसे हमारे शरीर में जो ब्लड है वो एक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, हम जो भी दवाई देते हैं इंजेक्शन के रूप में वो ब्लड में मिक्स होती है और उसके बाद वो शरीर के सारे अंगों में पहुंच जाती है। लेकिन म्यूकोरमाइकोसिस में क्या होता है कि जो फंगस है वो उस मटेरियल को गला देती है और उसको गलाने की वजह से क्या होता है कि वहां पे ब्लड की सप्लाई खत्म हो जाती है। ब्लड की सप्लाई जिस एरिया को खत्म हो गई, आप ये माने जिस पेड़ की जड़ें सूख गई, जी जी, हरा नहीं हो सकता, तो इसलिए हमें उस एरिया को हटाना ही होगा। अगर हम नहीं हटाएंगे उसको तो वो टॉक्सिन रिलीज करता रहेगा और पेशेंट हमारा ठीक नहीं हो पाएगा और बीमारी फैलती रहेगी। इसलिए इस ऑपरेशन का ये एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि ये एक सर्जिकल स्ट्राइक भी होती है फंगस कि जितना जी जी। हम ज्यादा से ज्यादा निकाल सके उतना हम निकालें। हमारा जो एम है, जो एम है इसमें ऑपरेशन का या ट्रीटमेंट का, वो एम है हमारा पेशेंट की जान बचाना। अब उसके जान बचाने के बीच में अगर हमें आंख की बलि देनी पड़ रही है या हमें जो है चेहरे की हड्डी की बलि देनी पड़ रही है तो उससे हमें नहीं हिचकना है, हमें पेशेंट की जान बचानी है, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसलिए इसमें ऑपरेशन ऐसे ही होते हैं कि हमें सब कुछ काट के निकाल देना है, तो इस वजह से क्या था थोड़ा सा म्यूटिलेटिंग सर्जरी है, कोई डॉक्टर भी कभी नहीं चाहेगा। जितनी मेरे फ्रेंड्स हैं जो ऑपरेशन करते हैं, मैंने खुद ऑपरेशन किए, हमेशा ऑपरेशन के बाद जो एक सेटिस्फेक्शन होता है वो इसमें नहीं है, क्योंकि हमें भी ये लगता है कि ये क्या हुआ। लेकिन अब ये मजबूरी है कि बीमारी जिस तरह की है उसी तरह का इलाज करना पड़ेगा और हमें इस चीज के ऊपर ध्यान करना पड़ेगा कि हाँ पेशेंट की जान हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जी 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 जी। तो यही चीजें हैं, अब इसमें पब्लिक को मतलब सबको समझना पड़ेगा जो भी पेशेंट्स हैं उनके रिलेटिव हैं कि जो भी किया जा रहा है उनके अच्छे के लिए ही किया जा रहा है। अब बाकी जो डॉक्टर हाँ थोड़ा साइकोलॉजी पेशेंट की जो है वो ठीक ठाक करनी पड़ेगी, ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई चीज सड़ गई है वो कोई भी डॉक्टर कभी ये नहीं चाहेगा कि वो किसी की आंख निकाले, बहुत बुरा लगता है, कोई भी नहीं चाहेगा, है ना। तो क्योंकि हम लोग बचाने के लिए है, हम लोग मारने के लिए नहीं है, तो जी जी बिल्कुल हमें पेशेंट को बचाना है
और अगर हम इसके लिए कुछ चीज सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है तो आजकल जो टेक्निक्स और फॉलो हो रही है उसमें कोशिश ये की जाती है कि एटलीस्ट जो आपकी पुतली है उसको बचा लिया जाए, जो बीमारियों को निकाला जाए जिससे कि कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी ना हो। लेकिन कई बार मजबूरी हो जाती है कि अगर आपके अंदर भी चली गई है और आई बॉल के अंदर तो कई बार वो निकालनी पड़ सकती है। जी 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 आता है इसमें कई बार ऐसा होता है कि एक जो ठीक आंख है उसके अंदर कैटरेक्ट है पेशेंट को और जो सही आंख की उसमें म्यूकोर माइकोसिस हो गया। पेशेंट कई बार अंधे भी हो जाते हैं म्यूकोर माइकोसिस की वजह से। अब ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब एक बहुत सारी लोगों की ये क्वेरी रहती है कि फंगस वगैरह की ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसा कि आपने भी कहा कि ये आज की नहीं, ये पहले भी ये सब चीज़ें होती रही हैं और इनके लिए बाकायदा दवाई रहती है, तो ये जो अब कोरोना काल में जो ये इसको सेकंड पैंडेमिक के साथ जोड़ा जा रहा है, इसकी दवाई तो वही होगी जो पहले से फंगस की दवाइयाँ हैं। हाँ जी, दवाई देखिए इसकी वही है, इसमें दवाई एक इंजेक्शन आता है एम्फोटेरिसिन बी जो चलता है, वही दवाई है, वही इसमें भी चलता है। उस एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन में भी कई तरह की दवाइयां आती हैं क्योंकि ये इंजेक्शन जो है हमारे किडनी को डैमेज करता है, तो इसके बड़े हिसाब से बड़ा देख के उसको किडनी के फंक्शन को इवेलुएट करते हुए हमें उसको दवाई को चलाना पड़ता है। और इसके अलावा और भी नई दवाई आ गई है, टैबलेट फॉर्म में भी आ गई है, सिरप जी 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 इसके अलावा दवाई है जो हम दे सकते हैं। लेकिन इसमें वही बात है कि हमारे देश की जो प्रॉब्लम है कि हमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखनी पड़ती है, क्योंकि एम्फोटेरिसिन बी ही एक ऐसा इंजेक्शन है जो शायद सबसे सस्ता है और सबसे इफेक्टिव है। बाकी इसके अलावा जो दवाइयाँ हैं वो बहुत ही महंगी हैं जो एक कॉमन मैन शायद अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो इसलिए हमें हमारा सारा जो मेन ड्रग है वो एम्फोटेरिसिन बी पे ही आ जाता है। जी जी। और पेशेंट का अचानक बढ़ने की वजह से ये सब मार्केट में शॉर्ट हो जाता है, फिर हम लोग के लिए दिक्कत ये है कि सपोज हम मान लो ऑपरेशन कर भी दे पेशेंट का और मान लो उसको फिर इंजेक्शन नहीं मिला तो फिर कोई फायदा नहीं है ऑपरेशन का, सिर्फ इंजेक्शन या ऑपरेशन ना हो पाए तो कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग को इसमें अप्रोच बनानी पड़ेगी, गवर्नमेंट को गाइडलाइंस दिखानी पड़ेगी कि जिससे कि जो निगी है उसको तुरंत इंजेक्शन मिले, उसका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन हो सके, क्योंकि टाइम इज प्रेशियस, टाइम इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना जल्दी हम लोग करेंगे उतना ही हमारे पेशेंट को फायदा ज्यादा होगा। डॉक्टर साहब इसको इस बीमारी को भी गवर्नमेंट ने अपनी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इसको पैंडेमिक माना है, आप इसको सही मानते हैं क्या? जैसा कि अब मैं आपसे सुन रही हूँ कि ये तो पहले से ही है और हम लोग भी सुनते आ रहे हैं कि नेल्स में और कई जगहों पे फंगस मौसम के अकॉर्डिंग इफेक्ट करती ही है और कईयों को नहीं भी करती है। हाँ, एक्चुअली पैंडेमिक घोषित करने के लिए मुझे लगता है क्योंकि कोरोना के केसेस में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं, तो जब भी नंबर ऑफ केसेस किसी बीमारी के बढ़ जाएंगे तो उसको पैंडेमिक घोषित करना है, क्योंकि ये सभी जगह फैल रही है, कोई ऐसा नहीं है गाँव में शहर में किसी भी प्रदेश में, सब जगह ओवरऑल आप देखो कि स्थिति काफी खराब है। हालांकि ऐसा जरूर है कि कुछ स्पेशल एरियाज भी हैं जो ज्यादा अफेक्टेड है, तो मेरे ख्याल से जो मैग्नीट्यूड है प्रॉब्लम का वो काफी ज्यादा है, इसी की वजह से मुझे लगता है सरकार ने इसको पेंडेमिक घोषित किया। प्लस जो पेशेंट को फैसिलिटीज वो पेंडेमिक घोषित करके पहुँचा सकते हैं, मुझे लगता है वो भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि अब हमें दवाइयाँ चाहिए, हमें इंजेक्शन की जरूरत है जो मात्रा में और उचित रेट पे सबको मिले, हॉस्पिटल्स को मिले, पेशेंट्स को मिले, जिससे कि जो हम ट्रीटमेंट देना चाहते हैं पेशेंट को वो हम दे पाए। तो मेरे ख्याल से इन्होंने फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए उसको पैंडेमिक उसमें डाला है, तो हालांकि है ये पैंडेमिक तो है ही। जी जी नॉर्मल टाइम में म्यूकोर माइकोसिस हम लोग कितना देखते हैं, 6 महीने में एक केस। हाँ, आपको तो अपने केसेस से आइडिया हो रहा होगा ना कि मतलब आपके पास नॉर्मल दिनों में फंगस के कितने केसेस आ रहे हैं और अब कितने आ रहे हैं। 6 महीने में एक आध केस आता है और आप जो एक दिन में छह, अब एक दिन में कितने आ रहे हैं? है ओके जी जी सिक्स और मोर समटाइम्स मोर देन सिक्स, इट इज नॉट अ नंबर आई एम टेलिंग यू। सम पेशेंट, कुछ पेशेंट जो है वो हमें फोन पे कंसल्ट करते हैं, सिर्फ अपनी रिपोर्ट भेज दी। सपोज कोई पेशेंट दिल्ली में है, उसको हमने एडवाइस किया, उसकी रिपोर्ट में फंगल इन्फेक्शन आ गया,
अब वो दिल्ली से हमारे पास नहीं आ सकता ऑपरेशन करा ले, तो वो दिल्ली में ही ऑपरेशन करा ले, या दिल्ली में ट्रीटमेंट करा ले, या बॉम्बे में। तो इस तरह से मिलाकर आप देखेंगे तो मतलब काफी ज्यादा स्प्रेड है इसको पेंडेमिक घोषित करना, मुझे लगता है बिल्कुल ठीक डिसीजन है। और इसके लिए फिर उसी तरह से जो बेनिफिट्स हैं वो पेशेंट को मिलने चाहिए। जी, आपने डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और मैं समझती हूँ कि जो मेरे दर्शक हैं जो इस प्रोग्राम को देखेंगे देख रहे हैं उनको इससे बहुत लाभ मिलेगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और हम फिर मिलेंगे किसी और नए विषय पे किसी और नई बातचीत के साथ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जय हिंद, जय भारत। जी।